शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो, हाँ मदन बोल। एयरक्राफ्ट रेडी है? ओके, मैं अभी बोल देता हूँ। नो नो नो, नहीं जाना है मुझे। काय कर रहे हैं बाबा? नहीं जाना है मुझे। ड्राइवर मेरे से निचला देख रहा है। मुझे नहीं रहने दे। धारे अलामत बना मुझे। हम एक मिनट। बाकी सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे इट बी ओके विद मी। ओके सर। सर एयरक्राफ्ट रेडी है? रेडी तो हम भी हैं। तो छोटी नवाब कहाँ है? नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। उठे फेंक रहे हैं थोड़ा पन थापड़ा चाहिए। काय कर बाबा बाबा ना बाबा थाम। अरे अरे बाबा मुझे लेके जाएंगे दिल्ली। अब देखता हूँ कैसे लेके जाते हैं। मेरी हर प्रॉब्लम की सलूशन, मेरी हर क्वेश्चन की आंसर। चीफ कहाँ हो तुम? तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। हाय बॉसी। चीफ मुझे मॉम डैड के साथ नहीं जाना। इसे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाभी। मुझे कुछ नहीं मालूम। ही इज कमिंग विद अस। ओके बॉसी हो जाए। भाभी ये क्या है?
चश्मा है। सो तो है लेकिन इससे सब कुछ दिखता है। क्या मतलब? ए पायल्स पांडे जी मैडम, आज तूने चड्डी नहीं पहनी क्या? वो क्या मैडम कि चड्डी गीली थी। भागो। आप नो देखते हैं आपका चक्कर क्या है, कब तक छुपोगे फूलों के आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में हैं? अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना सपना और अब्बास कल क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। तो देखने दो ना। यस अगर मैं भी होता आई वुड हैव डन द सेम। दो दिनों की बात है, सपना विल लुक आफ्टर हिम इजंट इट? ऑफ कोर्स आई विल। मेरी मॉम। अब्बास नो मस्ती, प्रॉमिस? प्रॉमिस। Happy sweetheart. Captain Singh, let's take off. What is the problem? Sir, engine failure. What? Engine fail ho gaya? How is it possible? Khula, sab theek ho jayega. Aap kuch kariye. We are trying our best, sir. Captain Das, try to keep the plane steady. Calling control. That plane is going down. या खुदा मेरे गुनाह माफ करना। यस मिस्टर सिंह। यस सर। टेल मी समथिंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लैक बॉक्स। एयरक्राफ्ट डेफिनेटली 15,000 फीट हाइट के ऊपर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। आफ्टर दैट देयर वाज नो वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट एंड द ट्रैफिक कंट्रोल टावर। लास्ट वर्ड ही सेड ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर द एयरक्राफ्ट। और इसकी वजह दो हो सकती हैं सर, एक ऑपरेशनल नेग्लिजेंस और दूसरा सेबोटैज। एयरक्राफ्ट क्रैश का कारण यदि सेबोटैज है तो इसके पीछे बेहद इंटेलिजेंट माइंड्स हैं। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर एयरक्राफ्ट का क्रैश होना एक कॉन्स्पिरेसी है तो जो लोग इसके पीछे हैं वो अब्बास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब्बास अब नवाब साहब की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। I don't think there is any conspiracy as such. अगर ऐसा कुछ होता तो इससे पहले कुछ हो जाता। हो सकता है सर इस साजिश के पीछे जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हो कि जब बात पूरी तरह से दब जाए उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाए। How is the child? 90% normal, sir. वो अपने माँ बाप की मौत को एक एक्सीडेंट समझकर भूल चुका है। चलो अच्छा है। तो फिर इस बच्चे की सिक्योरिटी के सिलसिले में हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? हमें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसे आसानी से खरीदा ना जा सके, जिसका दिल पहाड़ी झरनों जैसा साफ हो, दिमाग गंगा जल की तरह पवित्र, इरादे चट्टानों से भी ज्यादा अटल हो। अब डिपार्टमेंट में ऐसा कोई शख्स ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी की तलाश करने जैसा है। नहीं सर, मेरी नजर में एक नौजवान है। अच्छा कौन? Down,
चलो। मिल गया मेडल। कैसे मिलता, आज भी सुना रह गया मेरा सीना। पता नहीं कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास जो सपने का भी सही वक्त बताती है। अरे 5 मिनट लेट नहीं आ सकती थी, कितना बड़ा फंक्शन था, बड़े बड़े लोग थे वहां पर। अब उन बिचारों को कल तक वेट करना पड़ेगा। रब तुझे संभाले, शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। शर्म करने से क्या होगा बीजी, काम करने को बोलो, काम करने को। 5 साल से राह देख रहा है सरकारी चिट्ठी की। अरे इसके यारों को ही ले लो, वो हरमिंदर एमए करके आया, पान की दुकान से कितना कमा रहा है। और वो करता रहा, पढ़ाई करके आया, गांव में टीचरी शुरू कर दी और वो जैसे ही कंपाउंडर बन गया। ओहो बीजी, उन तीनों की जिंदगी का कोई मकसद है क्या? हरमिंदर शहर से क्यों भागा है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। करतार और जैसी उन्होंने डिग्रियां इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ढेर सारा दहेज मिल सके। हाँ हाँ। मैंने पढ़ाई की, पुलिस की ट्रेनिंग ली ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, छोटे बड़े सब मुजरिमों का खात्मा कर सकूं। पीजी देखना एक दिन मेरा ये सपना सच हो, लोग मुझे सलूट मारे, जहां से भी निकलूंगा नजारे ही नजारे होंगे। दूध निकाल पहले। हाँ जी। और राजवीर क्या है? आले बोला था ना मैंने, जाऊंगा मैं जाऊंगा बॉम्बे। वाले जैसे दारू के दो प्याले, तेरे नैन बड़े मतवाले जैसे दारू के दो प्याले, दिल ना संभले मेरे संभाले। तू क्या चीज है, तेरे नैन बड़े मतवाले जैसे दारू के दो प्याले, दिल ना संभले मेरे संभाले। तू क्या चीज है, बड़े मतवाले जैसे दारू के दो प्याले, दिल ना संभले मेरे संभाले। तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है। मैं दीवाना मगर तूने नहीं जाना, तू पागल है, तू छक्की है, तुझे मैंने है पहचाना। चाहे मुझे कहे तू छक्की, चाहे जेल में भी तू चक्की, लेकिन बात करूंगा पक्की। तू क्या चीज है, फिर तू लगा वो माला जपने ऐसी हो।
रोशन हो तू अपनी दुआर देखे मेरे सपने तू क्या चीज है। तेरे नैन बड़े मतवाले जैसे दारू के दो प्याले दिल ना संभले मेरे संभाले तू क्या चीज है। राजवीर सिंह फ्रॉम पटियाला रिपोर्टिंग सर। ओ राजवीर, पटियाले दा पट्टा स्ट्रांग मैन, हाउ आर यू? ठीक ठाक एंड फिट सर। गुड राजवीर, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से मुंबई बुलाया। मैं जानता हूँ सर, अंडरवर्ल्ड को अंडर कंट्रोल करने के लिए और माफिया को खत्म करने के लिए सर मैंने प्लानिंग शुरू कर दिया है। राजवीर, हर पुलिस वाले में तुम्हारे जैसा जोश होना चाहिए। ये बच्चे की फोटो देखो। मैं जानता हूँ सर, किडनैप कर लिया है ना सर। आप इसके लिए मुझे सिर्फ 12 घंटे दीजिए, मुजरिम जेल में होगा और बच्चा माँ बाप की गोदी में खेल रहा होगा। पर राजवीर, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो तुम। किडनैपिंग और रॉबरी जैसे क्राइम के लिए हमारे पास बहुत काबिल ऑफिसर हैं। इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बास नाम है इसका। एक हादसे में इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। इसकी सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है तुम्हें। इस बच्चे के साथ तुम्हें साय की तरह रहना होगा, एक एक पल इस पर नजर रखनी होगी और हर तरफ से इसका ख्याल रखना होगा। यूं समझ लो तुम्हें एक पुलिस अफसर बनकर नहीं बल्कि एक बच्चा बनकर इसके साथ रहना होगा। मुझे उम्मीद है मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो यकीन किया है तुम उसे कभी तोड़ोगे नहीं। तोड़ तो तुमने मेरा दिल दिया है। पटियाला से मैं अफसर बनने आया था, आया बना दिया मुझे। राजवीर क्या सोच रहे हो? गो एंड स्टार्ट योर ड्यूटी। यस सर। जय हिंद सर।